यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जो जब वीडियो देख रहे हैं सबके लिए। कैसे हैं सब लोग? सर हम कैसे हैं वो छोड़ो, जल्दी ये बताओ कि सर आंसर की कब आने वाली है। आप लोगों की जो आंसर की है वो आज अनाउंस हो गई है। एनटी की साइट पे जो अगर आप जाएंगे तो वहां पे आपको ये पब्लिक नोटिस जो देखने को मिलेगा, जो आज अभी जो है थोड़ी देर पहले ये नोटिस जो है वो आया है। इस नोटिस के अंदर ये बताया गया कि जो भी आपका रीशेड्यूल के एग्जाम हुए थे 27, 28, 29, 30 अगस्त को और 2, 3, 4, 5 सितंबर को, मतलब बचे हुए जो अपने एग्जाम्स हुए थे इन डेट्स को, तो उनकी जो प्रोविजनल आंसर की है वो अनाउंस कर दी गई है। तो बेसिकली ये आपको नोटिस जो है वो देखने को मिलेगा। आप एनटीए की साइट पर जाएं, वहां पे आपको ऊपर जो है वो दिखा देगा, तो उस पर आप क्लिक करेंगे तो ये नोटिस आपका जो है ओपन हो जाएगा। ओके, तो जो अपने एग्जाम अगस्त के महीने में बोले तो अगस्त में 27, 28, 29, 30 को हुए थे और सितंबर के अंदर 2 से लेकर 5 तक जो अपने एग्जाम हुए थे, तो उनके आंसर की जो है वो आज डाल दी है। लास्ट जो डेट है, मतलब ये बेसिकली आंसर की, आप इसके जो अपने जो क्वेश्चन जो आपके रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स है आप उनको मैच कर लीजिएगा। ओके, और अगर किसी क्वेश्चन में आपको ये लगता है, अगर आप सेटिस्फाई नहीं है, आपको लगता है कि आपका आंसर जो है वो ठीक है और एनटीए ने जो है उसको गलत किया हुआ है, ओके, तो मतलब अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको जो है वो डाउट है तो आप उसको चैलेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, 200 रुपए पर क्वेश्चन के हिसाब से आपको जो है वो उसका फीस लगेगा। अब कब तक ये जो है वो आंसर की जो है डिस्प्ले रहेगी, तो यहां पे बता रखा है ड्यूरेशन जो है फॉर आंसर की चैलेंज वो है आपका 11 सितंबर से लेकर के और 13 सितंबर तक। मतलब आज का दिन अब देखो लगभग 8:30 तो बजी गई है शाम के, ठीक है, तो अभी कल और परसों 13 सितंबर 2024 को 11:50 तक ये आपके पास में जो है वो टाइम अवेलेबल है। मतलब मोटा मोटी कल और परसों का 2 दिन आपके पास में है, इन 2 दिनों में ही आपको आंसर की जो है वो चेक करके, और अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आपको उसको चैलेंज जो है वो करना है। ठीक है ना, तो ये एक बार आप जो है वो देख लेना। और लास्ट डेट जो है पेमेंट का वो है 13 सितंबर को 11:50 तक आपको जो है वो पेमेंट करने। अगर इस टाइम तक अगर आपने आंसर को चैलेंज नहीं किया, जो भी क्वेश्चन आपको लगता है कि जिसमें आपको डाउट है अगर उसको नहीं किया, तो बाद में आप उसको नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, मतलब आप बाद में जो है वो एक्स्ट्रा टाइम आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, बाकी कल मैं भी एक बार जो है वो आंसर की चेक कर लूंगा। ओके, और फिर आपको बता दूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन के अंदर डाउट है, किस किस को आपको चैलेंज करना चाहिए। बाकी आपको भी अगर कुछ लगता है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बता देना कौन से किस क्वेश्चन में आपको डाउट है, तो वो मैं एक बार दोबारा रिव्यू कर लूंगा उसको। ठीक है ना, तो अभी आप जल्दी से जो है वो जाके अपना आंसर की जो है वो डालें। ठीक है, चेक करें एप्लीकेशन नंबर डाल के और अपना रोल नंबर डाल के आंसर की को चेक करो और देखो कितने कुछ जो है वो बन रहा है आपके क्वेश्चन। ठीक है, फिर एक्सपेक्टेड कट ऑफ के ऊपर भी हम लोग एक वीडियो जो है वो लेके आएंगे। तो अभी जल्दी से जाओ और अपना आंसर की को जो है वो चेक कीजिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।